तो दोस्तों जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे कंपनी को से रुपीज़ में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 11,775 करोड़ के आसपास, पिछले साल 10,097 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 12,909 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10 से 11% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का टोटल इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 10,380 करोड़ के आसपास जनरेट किए थे, पिछले साल 8,485 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,110 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,822 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,291 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 9,490 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1606 करोड़ प्रोविजन में खर्च किए थे, पिछले साल 1,996 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 1,754 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको कम होता हुआ देखने मिला है, हालांकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो हल्का सा कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1,346 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 809 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,216 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 4 गुना होता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ऑलमोस्ट 2.5 गुने के आसपास आपको देखने मिला। हालांकि ये इतना बड़ा प्रॉफिट क्यों हुआ है तो क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स के रूप में बहुत सारे फायदे हुए हैं। टैक्स एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में 1551 करोड़ के आसपास का कंपनी को फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इतना बड़ा आपको देखने को मिला है। अगर कंपनी का बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखना चाहते हैं टैक्स से पहले का, तो पिछले क्वार्टर में 1,346 करोड़, पिछले साल 809 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1,664 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल यहाँ पे भी देखें तो आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस पिछले क्वार्टर में 18 रुपये के आसपास, पिछले साल 14.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 34.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीए पिछले साल 3.94 था, अभी देखें तो 2.11 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2.19 था। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। नेट एनपीए की बात करते हैं तो नेट एनपीए 2.64 से गिर के 0.56 के आसपास आ चुका है। तो नेट एनपीए भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर संभलता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो अच्छे ही देखने को मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट एनपीए प्रोविजन सारा कुछ देखें तो ऑन एन एवरेज अच्छे ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।